और बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। दीपावली से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। दीपावली से पहले 7 या 10 नवंबर तक मंत्रिमंडल विस्तार संभव है। आपको बता दें कि योगी मंत्रिमंडल के विस्तार में पिछड़े वर्ग को मिलेगी तवज्जो। ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। कुछ नए चेहरों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। पिछड़े वोट बैंक को लेकर के चिंता में बीजेपी है। आपको बता दें कि जातिगत जनगणना के मुद्दे के बाद पिछड़े वोट बैंक पर बीजेपी सजग हो चुकी है और कहा यह जा रहा है कि तमाम जो तैयारियां हैं उन सबके बीच दीपावली से पहले मंत्रिमंडल के विस्तार की तैयारियां हो रही हैं। दीपावली से पहले 7 या 10 नवंबर तक मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। जिस तरीके से विस्तार होना है, आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एक दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई गई थी जिसमें पिछड़े वर्ग से जुड़े तमाम नेताओं को बुलाया गया था और इनमें से कुछ एक को मंत्रिमंडल में जगह भी मिल सकती है। आपको बता दें कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में ओपी राजभर की जगह तय मानी जा रही है, वहीं दारा सिंह चौहान की जगह भी तय मानी जा रही है। तो दिवाली से पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। आपको बता दें कि 7 या 10 नवंबर तक मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। योगी मंत्रिमंडल के विस्तार में पिछड़े वर्ग के नेताओं को तवज्जो मिलेगी और ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह इस मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं। कुछ नए चेहरों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है। कई नामों पर बैठक में मुहर लगी है और अब 7 या 10 तारीख के बीच में ये जो विस्तार है वो हो सकता है। पिछड़े वोट बैंक को लेकर के चिंता में बीजेपी है। जातिगत जनगणना के मुद्दे के बाद अब पिछड़े वोट बैंक पर भी बीजेपी सजग हो गई है और इस वोट बैंक को साधने के लिए तमाम इस वर्ग से आने वाले नेताओं को इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिल सकती है। तो दिवाली से पहले मंत्रिमंडल विस्तार संभव है। आपको बता दें कि बैठकें हो रही हैं और तमाम नामों पर चर्चा भी हुई है। फाइनल नामों पर भी मुहर लग चुकी है। दिवाली से पहले 7 या 10 नवंबर तक मंत्रिमंडल विस्तार भी होने वाला है और बताया जा रहा है कि ओपी राजभर समेत तमाम नेताओं को इस बार जगह मिल सकती है। कुछ नए चेहरे भी होंगे जिनको जगह मिल सकती है, वहीं दारा सिंह चौहान को भी जगह मिल सकती है। और इस पर बात करने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता अमन श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। अमन, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के क्या कुछ अपडेट सामने आया है? अमन, सुन पा रहे हैं आप? अमन, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी अमन, दिवाली से पहले मंत्रिमंडल विस्तार की बात कही जा रही है, क्या कुछ जानकारी? जी, अगर आप देखें कि पिछले सप्ताह ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ एक बड़ी बैठक की थी जिसमें बताया गया कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर ये एक अहम बैठक मानी जा रही थी। उसी के क्रम में देखें कि अब जो खबर आ रही है जिसमें दिवाली से पहले 7-10 नवंबर का जो एक तारीख दिया गया है उसी में इस मंत्रिमंडल विस्तार को सामने रखा जाएगा, जिसमें बताया जा रहा है कि अगर आप देखें कि ओम प्रकाश राजभर भी इस मंत्रिमंडल का हिस्सा बन सकते हैं, साथ साथ दारा सिंह चौहान भी इस मंत्रिमंडल का हिस्सा बन सकते हैं। देखा जाए जिस तरह से अभी जातिगत जनगणना एक अहम मुद्दा बना हुआ था उसी के क्रम में देखें तो पिछड़ा वर्ग के कई ऐसे चेहरों को इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। देखिए जिस तरीके से पिछड़ा वर्ग को लेके लगातार चाहे अन्य पार्टियां हो या फिर भाजपा खुद हो बैठकें कर रही है, उनसे जुड़ने का एक रणनीति बना रही है, तो वहीं उसी के क्रम में अब मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग के कई चेहरों को जगह मिल सकती है, मौका दिया जा सकता है। क्या बताया जा रहा है अमन, कौन कौन सी तारीखें संभव हैं? जी 7 या 10 नवंबर दिवाली से पहले ही ये मंत्रिमंडल का विस्तार कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। 7-10 नवंबर के अंतराल में ही इसके तारीख जो है वो बताई जा रही है। जी अमन, जिस तरीके से नामों को लेकर के जो चर्चाएं हो रही हैं, हालांकि फाइनल मुहर आलाकमान लगा चुका है, कहा यह जा रहा है कि दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर के अलावा कई ऐसे नए चेहरे भी हैं जिनको शामिल किया जाएगा, क्या बताया जा रहा है, कौन से ये चेहरे होंगे और किस वर्ग से इनका संबंध होगा?
जी अगर देखा जाए जिस तरीके से आप देखें कि ओम प्रकाश राजभर पिछले कई दिनों से या ऐसा देखा जाए कई समय से वो मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने के लिए इच्छुकता उन्होंने जाहिर की थी, जिसे के क्रम में अब कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर भी अभी हालिया बयान भी दिया उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल का एक जगह उन्हें भी मिल सकती है। साथ साथ दारा सिंह चौहान जिसका नाम निकल के आ रहा है, पहले भी अटकलें लगाई जा रही थी कि दारा सिंह चौहान को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, जिसका कहीं ना कहीं अब भाजपा के आला कमान ने मुहर लगा दी है। अगर देखा जाए अभी अब जो आने वाला जब ये मंत्रिमंडल का विस्तार का जो पूरा एक वो है, जब वो सामने आएगा तब कहीं ना कहीं इस चीज का पता लगेगा। लेकिन जो पिछड़ा वर्ग है उसके कई नए चेहरे को सामने लाया जा सकता है, और साथ ही साथ अगर आप देखें कि जो देखिए परफॉर्मेंस के बल पर भी कई चेहरों को हटाया जा सकता है और कई चेहरों को सामने लाया जा सकता है। क्या सहयोगी पार्टियों को इस बार मौका ज्यादा मिलेगा या फिर क्या कहा जा रहा है बीजेपी के जो नेता है उनको तवज्जो दी जाएगी? जी अगर देखें कि सहयोगी पार्टियों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर अगर सहयोगी दलों की बात करें तो कहीं ना कहीं एक तरफ आप देखें कि ओम प्रकाश राजभर को कहीं ना कहीं जगह मिल ही रही है, साथ साथ जो और सहयोगी पार्टी अगर संजय निषाद की तो वो पहले से ही मंत्रिमंडल में शामिल ही है। साथ साथ अगर और नेताओं की बात करें तो ये अटकलें हैं कि भाजपा अपने नेताओं को जगह देने का एक वो कर सकती। बिल्कुल अमन, जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। और कौन कौन चेहरे इसमें शामिल होने वाले हैं ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका अमन। तो खबर आपको बता रहे हैं जहां पर जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार संभव है। आपको बता दें कि अहम बैठक के बाद अब चर्चा ये हो रही है कि 7 या 10 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, कई अहम चेहरे इसमें शामिल हो सकते हैं। तो दीपावली से पहले 7 या 10 नवंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। और आपको बता दें कि पिछड़े वर्ग के तमाम नेताओं को इसमें हिस्सेदारी मिल सकती है। बीजेपी के साथ साथ जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके नेताओं को भी इस बार बड़ी संख्या में इसमें शामिल किया जा सकता है। परफॉर्मेंस को ध्यान में रख करके प्रमोशन और डिमोशन किया जाएगा। तो खबर आपको बता रहे हैं जहां पर योगी मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द संभव है और कहा यह जा रहा है कि दीपावली से पहले विस्तार संभव है।